यही जगह जगह हम लोग घूमे हैं तो देखा है कि कुछ अच्छा किया जाए, अच्छा किया जाए, हाँ, जहाँ लोग रुके रुक के उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो, यही हमारी कोशिश है। तो नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह ककड़ीपुर है। जब का कभी भी आप बागपत से पानीपत के लिए जाएंगे तो यह बागपत का आखिरी गांव है और इसके बाद शामली ज़िला शुरू हो जाता है। यहां आप देखेंगे यह सिग्नेचर रेस्टोरेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपके लिए चाय, नाश्ते और खाने पीने की अच्छी जगह है। तो कैसे ख्याल आया आपको, इतने बेहतरीन तरीके से आपने हट बना रखी है? यही जगह जगह हम लोग घूमे हैं तो देखा है कि कुछ अच्छा किया जाए, अच्छा किया जाए, हाँ, जहाँ लोग रुके रुक के उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो, यही हमारी कोशिश है। तो दाम भी आपके बड़े वाजिब हैं। दाम तो सही रखने ही पड़ेंगे, तभी तो लोग आएंगे, नहीं तो कौन आएगा। इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाने के बाद जब आपके यहाँ लोग ग्राहक आपसे बातचीत करते हैं तो कैसा लगता है, तारीफ सुनकर आपको? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि हम चलो अपने काम में कुछ हद तक सफल हुए हैं। सफल हुए हैं कुछ हद तक। जैसे आपकी चाय बेहतरीन थी, आपका आलू बंडा बेहतरीन था, आपका ब्रेड पकौड़ा भी बेहतरीन था, तो इसके अलावा क्या क्या देते हैं आप रेस्टोरेंट में? हाँ, इसके अलावा हम खाने के लिए भी सब कुछ है हमारे पास में, पनीर के आइटम्स है, चाप है, सोया पनीर है, सारी चीज़ें हैं। कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा से अच्छा खाने के लिए मिले। तो शुद्धता की कितनी गारंटी है? शुद्धता की 100%। 100%। तो क्या आप पनीर वगैरह घर का यूज करते हैं या बाहर बाजार वाला यूज करते हैं? लाते तो बाहर से ही है, पर उसकी ये गारंटी होती है कि वो घर जैसा ही है। घर जैसा ही है, क्वालिटी मतलब अच्छी है उसकी। तो इधर से जाने वाले लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि कोई सिग्नेचर रेस्टोरेंट क्यों रुके? हम तो यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक बार हमें अपनी सेवा का मौका दे, मौका दे सेवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार। तो आप लोग ऑर्डर भी बुक करते हैं फोन पे? अगर हाँ जी, फोन पे ऑर्डर भी बुक करते हैं। तो फोन पे अगर कोई ऑर्डर बुक करना चाहे तो किस नंबर पे आपको फोन करें? मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर 6284013746। ये सिग्नेचर रेस्टोरेंट के फाउंडर हैं जिन्होंने बनाया है और यह चाय बनाने वाले साहब हैं। तो कैसे लगता है आपको, अच्छी चाय कैसे बनाते हैं आप? पीते भी हैं सिर्फ पिलाते हैं? नहीं, पीते भी है पिलाते भी हैं। तो मतलब अपनी हर चाय पीते हैं या कभी कभार दिन में एक दो बार? नहीं नहीं नहीं, एक बार पीते हैं हम तो, बस एक बार पीते हैं। तो कैसा लगता है खुद की चाय पी के? लगता है कि दूसरों अच्छा के हाथ की चाय पीना चाहिए आपको कि अपनी पीने चाहिए? अपने हाथ की अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। तो शादी कर लिए? नहीं की है? नहीं, अभी तो नहीं की। तभी अच्छी लगती है, बाद में बीवी के हाथ की अच्छी लगेगी। लेकिन चलिए अच्छी बात है। यह चाय बनाते हैं और एक साथी और है इनके यहाँ जो काम करते हैं, इनसे पूछे कि तो आप क्या क्या करते हैं जनाब, आप क्या क्या बनाते हैं? हम चाट का आइटम बनाते हैं। अच्छा, गोल गप्पे, ठंडी चाट, चाउमीन, बर्गर, डोसा, पाव भाजी। तो कितने दिनों से हैं आप इस पेशे में? इस काम में? इस काम में हमको हो गए 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए। तो अच्छा लग रहा है सब कुछ खिला के? बहुत। चटनी आपने बेहतरीन बनाई थी, किस किस चीज़ की चटनी बनाई थी आपने? धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा डाल के बनती है। थोड़ी खटाई लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती है जी। चलिए, जैसे इनके खाने में थोड़ी खटाई लगानी पड़ती है, वैसे ही इस रेस्टोरेंट में कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं। यह हट बिल्कुल नेचुरल तरीके से है, इसमें टीन की छत जरूर लगी है जो आपको गर्मियों में थोड़ी बहुत परेशान करेगी, लेकिन पूरा का पूरा मामला बिल्कुल नेचुरल गाँव में गाँव जैसा है। और साथ में यह नाशपाती का बगीचा और आम के बगीचे आपको गांव में खाने पीने की पूरी सुविधा का आनंद लेने का मौका देंगे। जब कभी आप इस रास्ते से गुजरें तो सिग्नेचर रेस्टोरेंट ज़रूर रुकें, चाय पिएं, पकौड़ा खाएं। खाना हमने नहीं खाया है तो खाने की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेड पकौड़ा और चाय इनके यहाँ हमारी क्वालिटी पर बिल्कुल अच्छी उतरेगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक।